हेलो दोस्तों, आप सभी को फिर से स्वागत करता हूँ आपका ही चैनल फैंटेसी विनर पर। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं क्वालिफायर टू के बीच में जो मैच खेला जाएगा, क्वालिफायर टू के जो बीच मैच खेला जाएगा उसके बारे में। तो मैच जो होने वाला है राजस्थान रॉयल्स वर्सेस आरसीबी यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर यानी कि रॉयल्स वर्सेस रॉयल्स का मैच होने वाला है। आज तक हम लोगों ने जितना भी प्रिडिक्शन दिया सब के सब सही गया, चाहे वो जॉस बटलर हो, चाहे वो रजत पतिदार हो, चाहे वो जॉस हेजलवुड हो, चाहे वो युजवेंद्र चहल हो, चाहे वो शादाब खान हो, सॉरी शाहबाज अहमद हो, दिनेश कार्तिक हो, सबके बारे में हमने सही से सही मतलब प्रिडिक्शन दिया हूँ। 80% इस टाइम हम लोगों का प्रिडिक्शन सही जाता है। तो देर ना करते हुए चलो हम लोग सीधा स्टार्ट कर लेते। पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की तरफ से। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की तरफ से कौन सा प्लेयर चलने वाला है, कौन सा प्लेयर फ्लॉप जाने वाला है, कौन सा प्लेयर ड्रीम टीम का कैप्टन हो सकता है, कौन सा प्लेयर सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस दे सकता है, तो चलिए अभी हम लोग बात कर लेते हैं। पहले आपको देखने को मिला फैफ डुप्लेसिस 44-0, विराट कोहली 73-25, रजत पतिदार 0-112। रजत पतिदार के ऊपर ध्यान देना, दुनिया भर का लोग रजत पतिदार को उठा कर लेकर जाएगा, लेकिन इतना नाम होने के बाद रजत पतिदार फ्लॉप जाने वाला है, ये चीज ध्यान रखना। ग्लेन मैक्सवेल की अगर बात करेंगे तो 40-1, 9-0। ग्लेन मैक्सवेल हम लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट होगा। महिपाल लोमोर की अगर बात करेंगे तो 0-14। महिपाल लोमोर जो है ना भाई, दिनेश कार्तिक जैसा मारता है महिपाल लोमोर भी ठीक वैसा ही मारता है। तो महिपाल लोमोर को अगर बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा ऊपर मिल जाए ना तो ये भाई अच्छा खासा पॉइंट दे सकता है। दिनेश कार्तिक 2-37, लास्ट मैच पर 37 रन किया था। शाहबाज अहमद 0-0। हसरंगा 1-1। हर्षल पटेल 0-1। जॉस हेजलवुड 2-3 भाई, जैसे कि हमने बताया जॉस हेजलवुड। मोहम्मद सिराज 0-1। अब मैं बता देता हूँ यहाँ से कौन सा प्लेयर इंपॉर्टेंट जाने वाला। जॉस हेजलवुड हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा, हर्षल पटेल ठीक ठाक रहेगा, और कौन सा प्लेयर लेना है, किस लिए लेना है, क्यों नहीं लेना है वो भी बताएंगे। उससे पहले मैं बात कर लूँगा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो जगह होता है आप लोगों का डिमांड के अनुसार क्या होता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जगह। ये जो जगह होता है ये जगह सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैच जो है नया एक स्टेडियम पर खेला जाएगा यानी कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर, तो इसके ऊपर भी बात करेंगे। उससे पहले हम लोग राजस्थान रॉयल्स की तरफ से बात कर लेते हैं। दोस्तों जैसे हम लोग राजस्थान रॉयल्स की तरफ से बात करेंगे, पहले ही आपको देखने को मिल जाएगा जयसवाल 59-3, ठीक ठाक प्लेयर है, नेक्स्ट मैच पर थोड़ा बहुत पॉइंट दे सकता है। जॉस बटलर की अगर बात करेंगे तो 2-89, लास्ट मैच पर 80 रन का पारी खेला था। हालांकि लास्ट मैच पर हमने प्रेडिक्शन किया था कि जॉस बटलर फ्लॉप जाने वाला है, जॉस बटलर फ्लॉप चला भी गया था, लेकिन 2-3 कैच मिस करेगा तो उसमें तो मेरा कसूर नहीं है भाई। तो जॉस बटलर को अगर आपको उठाना है तो या तो फिर सीधा कैप्टन बनाओ। अगर आप सोचते हो नहीं जॉस बटलर को ऐसे उठा के रखना है, वाइस कैप्टन से बनाना है, तो भाई ड्रॉप ही करो, क्योंकि ये बंदा अगर रह गया ना तो भाई मतलब 23-20 तक अगर चला गया ना जॉस बटलर तो ये भाई 80 तो मार ही देगा, जैसे कि 89 मार चुका है, और अगर ये 20 से पहले आउट हो जाता है तो गया, ये चीज़ ध्यान देना। संजू सैमसन की अगर बात करें तो 15-40, संजू सैमसन एक इंपॉर्टेंट हो सकता है। रीज़न मैं बता देता हूँ, संजू सैमसन जो है लास्ट मतलब ये जो एशिया कप का टूर है और अपना जो T20 वर्ल्ड कप है उस पर संजू सैमसन को सिलेक्ट नहीं किया है, तो इस वजह से ये अभी आएगा और मारेगा T20 की वजह से, तो ये चीज़ ध्यान देना। देवदूत पडिक्कल 3-28, सेमोन हेटमेयर 6-4। अगर चेजिंग होता है राजस्थान रॉयल्स का तो सेमोन हेटमेयर एक इंपॉर्टेंट होगा। रियान पराग 10-4, रविचंद्रन अश्विन 40-1, 2-0। रविचंद्रन अश्विन भी एक इंपॉर्टेंट होगा अगर चेजिंग होता है तो। ट्रेंट बोल्ट की अगर बात करेंगे तो 1-1। प्रदीप कृष्णा 0-0। वो मौकी जो है 2-2। और रविंद्र चहल 1-2। मौकी एक बहुत ही अच्छा खासा बेहतरीन हम लोगों का बॉलर होने वाला है, ये चीज़ ध्यान देना। अभी हम लोग बात करेंगे सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट जगह होता है हम लोगों का हर रोज़ का, वेन्यू जो होने वाला है नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर यह मैच खेला जाएगा। एवरेज स्कोर की अगर बात करेंगे तो एवरेज स्कोर जो है 186 लेकर मतलब 186 से लेकर 192 यानी कि 192 के आसपास आपको स्कोर देखने को मिल जाएगा। अब मैं यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूं, जो लोग पहले बैट करता है सिर्फ उन लोगों का ही 186 प्लस रन बन सकता है, लेकिन जो लोग चेसिंग करता है उन लोगों का भाई 168 के अंदर ही रुक जाएगा, ये चीज़ ध्यान देना। तो 168 के अगर चेजिंग टीम का रुक जाता है तो इसका मतलब क्या होता है कि जो लोग चेजिंग करेगा उन लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा बैटिंग और जो लोग पहले बैट करेगा उन लोगों का बॉलिंग एंड बैटिंग दोनों लेकर चलना पड़ेगा। यानी कि मान के चलो कि राजस्थान रॉयल्स पहले बैट कर रहा है तो हमको जॉस बटलर को कैप्टन बनाना है, मौकी को वाइस कैप्टन से बनाना है, जसपाल को कैप्टन बनाना है, और वो चीज़ मैं थोड़ी देर में डिस्कस कर लेता हूँ।
राजस्थान रॉयल्स की अगर एवरेज स्कोर की अगर बात करेंगे 176 है एवरेज, 222 है हाईएस्ट और 144 है लोएस्ट। लोएस्ट स्कोर उतना मायने नहीं देता है, लेकिन मायने जो देता है हाईएस्ट स्कोर एंड एवरेज स्कोर। तो आरसीबी का जो हाईएस्ट स्कोर एंड एवरेज स्कोर है 162 और लोएस्ट स्कोर हाईएस्ट स्कोर है 207 और एवरेज स्कोर है 162। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको राजस्थान रॉयल्स जो है आगे जाते हुए देखने को मिल सकता है, जिसका कितना पॉइंट्स आगे जा रहा है, 14 रन से आगे जा रहा है एवरेज स्कोर में। और यही हम लोग अगर बात करेंगे हाईएस्ट स्कोर का, तो हाईएस्ट स्कोर में भी आपको देखने को मिल जाएगा 15 रन से आगे जाते हुए राजस्थान रॉयल्स को। तो कहीं ना कहीं राजस्थान रॉयल्स को आपको यहाँ पर पल्ला भारी देखने को मिल जाएगा। पिच रिपोर्ट की अगर बात करेंगे तो बैटिंग फर्स्ट का विनिंग रेशियो रहेगा 80%, यानी कि जो लोग पहले बैट करेगा उन लोगों का जीतने का चांस 80% रहेगा। अभी मैं यहाँ पर आप लोगों को बता देता हूँ क्यों और क्या बोल रहा था। ये देखो, ये जो पिच है, ये जो लोग पहले बैट करेगा उन लोगों का 186+ रन ऐसे ही बन जाएगा, और जो लोग चेजिंग करेगा उन लोगों का जो है 168 से ज़्यादा रन नहीं बनेगा चेजिंग टाइम पर। ये चीज़ ध्यान देना। तो चेजिंग टाइम पर अगर रन नहीं बनता है इसका मतलब विकेट गिर रहा है। तो अगर चेजिंग टाइम पर विकेट गिर रहा है तो विकेट कौन ले रहा है? जो लोग पहले ऑलरेडी बैट कर चुका है वो लोग विकेट ले रहा है। और 186 रन कैसे बना? जो लोग पहले बैट कर रहा था उन लोगों ने मारा, इसलिए रन बना है 186। तो यानी कि हम लोगों को सब लोग क्या करेगा, जो लोग पहले बॉलिंग करेगा उन लोगों का सब चीज़ लेकर चलेगा, लेकिन जो लोग पहले बैट करेगा उन लोगों का एक भी बॉलर नहीं लेगा। तो यहाँ पर हम लोगों का एक प्लस पॉइंट बनता है, ये चीज़ ध्यान देना। अभी हम लोग स्टार्ट कर लेंगे। ये रहेगा अपना विकेट कीपर, ये रहेगा अपना बैटिंग, ये रहेगा अपना ऑलराउंडर, और लास्ट में रहेगा अपना बॉलिंग सेक्शन। हम टोटल 4 टीम का कम्बिनेशन रेडी करेंगे, जिसमें से 3 रहेगा ग्रैंड लीग और 1 रहेगा स्मॉल लीग। स्मॉल लीग का जो टीम है इसको भी आप अगर चाहो तो ग्रैंड लीग पर लगा सकते हो। फाइनल जो टीम है आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो देर ना करते हो, फटाफट जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, उसके साथ साथ फर्स्ट कॉमेंट पर भी मिल जाएगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बता देता हूँ, ध्यान से सुनना, किसी को मत बताना। अगर आप फैंटेसी में लॉस पर हो तो सीधा जाकर रॉयल 11 प्राइम कैप्टन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। रीजन मैं बता देता हूँ, प्राइम कैप्टन पर क्या होता है पता है? प्राइम कैप्टन पर भाई लो कंपटीशन, और रॉयल 11 पर भी, प्राइम कैप्टन एंड रॉयल 11 दोनों पर ही लो कंपटीशन, लो एंट्री फीस, और भाई सबसे ज़्यादा जो चीज़ वो क्या है पता है? क्रेडिट का ना कोई इशू ही नहीं है। तो देर ना करते हो, फटाफट जाकर, डिस्क्रिप्शन पर लिंक है रॉयल 11 एंड प्राइम कैप्टन का, फटाफट जाकर डाउनलोड कर लो। इससे आपको बहुत ही बेहतरीन ऑफर मिलने वाला है और आसानी से विन कर जाओगे। ये चीज़ किसी को बताना नहीं भाई, चुपचाप जाकर डाउनलोड कर लो। तो चलो अभी हम लोग बात कर लेंगे क्या, एक स्मॉल लीग 3 ग्रैंड लीग। पहले हम लोग स्मॉल लीग के टीम के ऊपर फोकस करेंगे। स्मॉल लीग का टीम हम लोगों का कैसा होने वाला है, क्या होने वाला है, किसको रखना चाहिए, किसको नहीं रखना चाहिए, हर चीज़ के ऊपर बात करेंगे। स्मॉल लीग के टीम के ऊपर हम लोगों का रहेगा, मान लेते हैं हम लोग आरसीबी बैट कर रहा है पहले, ठीक है? आरसीबी अगर पहले बैट करेगा तो हम लोगों का जो फर्स्ट पिक रहेगा कौन रहेगा मैं बता देता हूँ, विराट कोहली फैफ डुप्लेसिस। विकेट कीपर में हम लोगों का कौन कौन रहेगा? जॉस बटलर एंड संजू सैमसन, ठीक है? ये जो लास्ट एक बैटिंग सेक्शन बचता है, लास्ट एक बैटिंग सेक्शन पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सिर्फ देवदूत पडिक्कल को उठाएंगे। ये जो देवदूत पडिक्कल है, देवदूत पडिक्कल को हम लोग यहाँ पर लेंगे। और चेजिंग टाइम पर जैसे कि बताया है, सिमोन हेटमैन को भी ले सकते हो। अगर किसी को रिस्क लेना है तो सिमोन हेटमैन को ले सकते हो। सेफ के लिए देवदूत पडिक्कल, रिस्क के लिए सिमोन हेटमैन। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सिमोन हेटमैन को ले लेते हैं, चलो रिस्क के लिए। अब बचाइए दो सेक्शन, ये दो सेक्शन पर क्या करेंगे, सीधा भाई यहाँ से मैक्सवेल, और यहाँ से हमको लेना है रविचंद्रन अश्विन। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है नेक्स्ट मैच पर, रविचंद्रन अश्विन एंड ग्लेन मैक्सवेल, ये दो को एकदम ही मिस नहीं करना है। तो ये हो गया अपना ग्लेन मैक्सवेल और ये हो गया अपना रविचंद्रन अश्विन, ठीक है? अब बचा चार बॉलिंग सेक्शन। चार बॉलिंग सेक्शन पर हम लोग क्या करेंगे, हमने क्या सोचा, आरसीबी पहले बैट कर रहा है, आरसीबी अगर पहले बैट करेगा तो हम लोगों का रहेगा हेजलवुड, हर्षल पटेल एंड हसारंगा। ये तीन हम लोगों का रहेगा, हेजलवुड, हर्षल पटेल एंड हसारंगा। ये हम लोग कर लेते हैं हर्षल पटेल पहले, हर्षल पटेल, दूसरा रहेगा जॉस हेजलवुड, तीसरा रहेगा डब्लू हसारंगा, ठीक है? ये होने वाला है हम लोगों का टीम कम्बिनेशन। अब बचे ये लास्ट एक बॉलिंग सेक्शन। मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा चीज़, अगर सेम आरसीबी अगर पहले बैट ही करता है तो हम लोगों का टीम ऐसा ही रहेगा। और पिच रिपोर्ट फाइनल जो है वो पिच रिपोर्ट मिलने के बाद हसरंगा को लेंगे या तो फिर हर्षल पटेल, ये दोनों में से किसी एक को छोड़ने वाले, लेकिन किसको छोड़ेंगे मुझको भी नहीं पता। ये
फाइनल डिसीजन होगा कब पता है? टॉस के बाद, जब पिच रिपोर्ट मिल जाएगा। और पिच रिपोर्ट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, उसके साथ साथ फर्स्ट कमेंट पर मिल जाएगा। तो देर ना करते हुए टेलीग्राम पर जाकर ज्वाइन हो जाओ। अभी ये लास्ट सेक्शन बचा है, यहाँ पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ ओ मौकी को रखेंगे। ये रहा ओ मौकी। और एक चीज ध्यान देना, रविचंद्रन अश्विन को कल के मैच के लिए छोड़ना ही मत, एकदम छोड़ना मत। रविचंद्रन अश्विन कल के मैच के लिए हम लोगों के लिए ट्रंप पिक होने वाला है, ये चीज ध्यान देना। ये होने वाला है हम लोगों का स्मॉल लीग का टीम कॉम्बिनेशन। अब बताते हैं स्मॉल लीग का जो हमने टीम कॉम्बिनेशन बताया है, इसमें से कैप्टन वाइस कैप्टनसी किसको सिलेक्ट करना सही होगा। ग्लेन मैक्सवेल कैप्टन, विराट कोहली वाइस कैप्टन, फैब डु प्लेसिस वाइस कैप्टन, और यहाँ से हर्षल पटेल वाइस कैप्टन। ये कुछ प्लेयर रहेगा जिन लोगों को आप वाइस कैप्टन आराम से दे सकते हो। अभी हम लोग रेडी कर लेंगे ग्रैंड लीग का टीम कॉम्बिनेशन। ग्रैंड लीग का टीम कॉम्बिनेशन रेडी करने से पहले मैं बताना चाहूंगा, अगर आपको प्रिडिक्शन थोड़ा बहुत भी सही लगता है तो जरूर से जरूर चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, इससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलता रहता है। देर ना करते फटाफट चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर ही दो। तो चलो अभी हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। विकेट कीपर सेक्शन इस बार हम लोग क्या करेंगे, इस बार हम लोग जॉस बटलर को फ्लॉप करवाएंगे और संजू सैमसन को लेंगे। ये हो गया अपना संजू सैमसन, और यहाँ पर लेंगे हम लोग दिनेश कार्तिक को, यानी कि डीके। अब बचा अपना बैटिंग सेक्शन। बैटिंग सेक्शन पर इस बार हम लोग क्या करने वाले, बैटिंग सेक्शन पर हम लोग विराट को छोड़ेंगे, फैफ को लेंगे। ये हो गया अपना फैफ डुप्लेसिस। अब बचा ये दो सेक्शन है ना, ये दो सेक्शन पर हम लोग क्या करेंगे, ये दो सेक्शन पर हम लोग लेंगे, एक तो लेंगे देवदूत पडिक्कल और दूसरा ले लेंगे जसवाल। जसवाल एंड देवदूत पडिक्कल, वाई जसवाल एंड देवदूत पडिक्कल। अब बचा ये दो सेक्शन, सेम रखेंगे ग्लेन मैक्सवेल और उसके साथ रखेंगे रविचंद्रन अश्विन, क्लियर। अब बचा चार बॉलिंग सेक्शन। चार बॉलिंग सेक्शन क्या करेंगे, इस बार हम लोग लेंगे मोहम्मद सिराज। बटलर को हमने फ्लॉप करवाया, विकेट कौन लिया, मोहम्मद सिराज ने, क्योंकि मोहम्मद सिराज ओपनिंग में बॉलिंग करता है, ओपनिंग में बैटिंग कौन आता है, जॉस बटलर आता है, तो इसलिए हम लोग मोहम्मद सिराज को लेंगे, मोहम्मद सिराज। अब बचाइए तीन सेक्शन, ये तीन सेक्शन पर हम लोग क्या करेंगे, तीन सेक्शन में से पहला लेंगे हम लोग ओ मौकी और दूसरा अगर किसी को लेंगे वो लेंगे ट्रेंट बोल्ट। ओ मौकी एंड ट्रेंट बोल्ट, ये हो गया ओ मौकी और ये हो गया ट्रेंट बोल्ट, और लास्ट जो ऑप्शन बचता है वो हम लोगों का रहेगा हर्षल पटेल, हर्षल पटेल। अब मैं यहाँ पर एक चीज़ बता देता हूँ आप लोगों को, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैं कभी भी किसी भी वीडियो पर ये चीज़ नहीं बताया हूँ, मैं इस वीडियो पर बता देता हूँ। इस वीडियो पर ये जो टीम बनाया है ग्रैंड लीग का टीम का, कभी भी हमने कैप्टन वाइस कैप्टन से नहीं दिया, इस बार हम बताएंगे कैप्टन वाइस कैप्टन से किसको देना सही होगा। हमने सोचा है आरसीबी पहले बैट कर रहे हैं, अगर आरसीबी पहले बैट करेगा तब जाकर हम लोगों का पहला टीम का कैप्टन होगा फैफ डु प्लेसिस, वाइस कैप्टनसी होगा हर्षल पटेल। फैफ डु प्लेसिस कैप्टन, हर्षल पटेल वाइस कैप्टन, ये चीज़ अपने दिमाग में घुसा लो। हम लोग दूसरा टीम रेडी करेंगे, दूसरा टीम हम लोगों का क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है पूरा चीज़ बताएंगे। दूसरा टीम हम लोगों का जो होने वाला है वो होगा कुछ इस प्रकार, देख लेते हैं। संजू सैमसन को इस बार नहीं, इस बार हम लोग संजू सैमसन को भी छोड़ेंगे। संजू सैमसन को छोड़कर हम लोग सिर्फ और सिर्फ लेंगे जॉस बटलर, ये हो गया जॉस बटलर। लास्ट ऑप्शन बचा है, इसको भी हम लोग छोड़ देते हैं अभी के लिए। अब बचा बैटिंग सेक्शन। बैटिंग सेक्शन पर हम लोग क्या करने वाले हैं, बैटिंग सेक्शन पर हम लोग रहेगा फैफ डु प्लेसिस और यहाँ पर हम लोग लेंगे विराट कोहली। ये जो लास्ट स्पॉट बचा है यहाँ पर हम लोग लेंगे जसवाल को नहीं लेंगे, इस बार हम लोग सीधा लेंगे देवदूत पडिक्कल और सिमोन हेटमार। आप बोलोगे कि भाई भाई बचा है एक स्पॉट और आप देवदूत पडिक्कल और सिमोन हेटमार को कैसे ले लोगे, बता देता हूँ भाई बता देता हूँ। ये हो गया अपना ये देवदूत पडिक्कल है ना, ये रहा देवदूत पडिक्कल, और एक स्पॉट बचता है ये जो विकेट कीपर है एक को बचा कर रखा है, इसको बैटिंग में शिफ्ट करेंगे और यहाँ पर ले लेंगे हम लोग किसको, सिमोन हेटमार को, सिमोन हेटमार। ये हो गया अपना पहला टीम का, दूसरा टीम का विकेट कीपर मतलब बैटिंग सेक्शन क्लियर। अब बचा ऑलराउंडर सेक्शन। ऑलराउंडर पर इस बार क्या करेंगे, ऑलराउंडर पर इस बार हम लोग मैक्सवेल और ग्लेन मैक्सवेल, और ये जो जगह है यहाँ पर हम लोग रविचंद्रन अश्विन को ही रखेंगे। बचा चार बॉलिंग सेक्शन। चार बॉलिंग सेक्शन में इस बार क्या करेंगे, इस बार हम लोग हसरंगा को लेंगे और हसरंगा के साथ इस बार हम लोग जिसको लेने वाले हैं वो रहेगा अपना जॉस हेजलवुड, डब्लू हसरंगा और उसके साथ जॉस हेजलवुड। और यहाँ पर हम लोग किसको लेने वाले हैं, यहाँ पर हम लोग लेंगे ओ मौकी, ये जो है ओ मौकी को लेंगे, ओ मौके, क्लियर। अब बचा लास्ट एक स्पॉट, लास्ट स्पॉट में हम लोग हर्षल पटेल को ही रखेंगे, हर्षल पटेल। ये हो गया अपना टीम क्लियर। दूसरा टीम का कैप्टन वाइस कैप्टनसी मैं बता देता हूँ, एक भी टीम में क्योंकि नहीं बताता हूँ। दूसरा टीम का हम लोगों का कैप्टन होगा विराट कोहली, वाइस कैप्टनसी होगा अपना हर्षल पटेल,
ठीक है। आप अगर चाहो तो यहाँ से जॉस हेजलवुड को भी वाइस बना सकते हो, या तो फिर हसरंगा को भी आप वाइस बना सकते हो, ये चीज़ ध्यान देना। इन दोनों को भी आप वाइस कैप्टेंसी बना सकते हो। पिच रिपोर्ट जब तक ना फाइनल आ जाए तब तक फाइनल ये कैप्टन वाइस कैप्टेंसी नहीं होगा, मैं बार बार आप लोगों को ये रिक्वेस्ट करके बता रहा हूँ। सॉरी, अभी मैं तीसरा टीम, चौथा एंड लास्ट टीम की तरफ बढ़ेंगे। चौथा एंड लास्ट टीम की तरफ कैसे बढ़ते हैं दिखा देते हैं। हम लोगों का जो विकेट कीपर सेक्शन में फील रहेगा वो हम लोगों का दो ही रहेगा, जॉस बटलर और उसके साथ संजू सैमसन, ठीक है। ये होने वाले हैं अपना विकेट कीपर सेक्शन। बैटिंग सेक्शन पर इस बार हम लोग क्या करेंगे, बैटिंग सेक्शन पर इस बार हम लोग लेंगे फैफ को नहीं लेंगे, इस बार विराट कोहली को लेंगे और उसके साथ एम्लोमो रखेंगे। विराट कोहली उसके साथ रख लिया, एम्लोमोर लास्ट जो ऑप्शन बचा है, यहाँ पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ सिमोन हेटमेयर को रखेंगे। ये जो सिमोन हेटमेयर है, सिमोन हेटमेयर को यहाँ पर रखेंगे। अब बचा दो ऑलराउंडर सेक्शन, दो ऑलराउंडर सेक्शन में से भी हम लोग एक ही ऑलराउंडर लेकर चलेंगे इस बार, सिर्फ और सिर्फ ग्लेन मैक्सवेल। रविचंद्रन अश्विन का जगह भाई खाली रहेगा, रविचंद्रन अश्विन को हम लोग बैटिंग सेक्शन में शिफ्ट करेंगे और बैटिंग सेक्शन में शिफ्ट करने के बाद हम लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लेयर को लेंगे, वो है रजत पाटीदार। ये रहा रजत पाटीदार, हम लोगों का ऑलराउंडर सेक्शन क्लियर। ये अब जो ऑलराउंडर बचा है इसको हमने बैटिंग में शिफ्ट किया, बार बार बता रहा हूँ ध्यान से सुनना। ये रजत पाटीदार को हमने ऑलराउंड विकेट कीपर में सॉरी बैटिंग सेक्शन में शिफ्ट किया, और ऑलराउंडर को बैटिंग सेक्शन में शिफ्ट किया और रजत पाटीदार को हमने ले लिया। अब बचा है चार बॉलिंग सेक्शन, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस ही मैं बता देता हूँ। जॉस हेजलवुड और उसके साथ रहेगा हर्षल पटेल, जॉस हेजलवुड और उसके साथ रहेगा हर्षल पटेल। अब बचा ये दो सेक्शन, यहाँ पर हम लोग सीधा ले लेंगे मॉकी और उसके साथ लेंगे ट्रेंट बोल्ट, सेम ओ मॉकी और उसके साथ ट्रेंट बोल्ट। आप अगर चाहो ये ट्रेंट बोल्ट की जगह पर आप युवेंद्र चहल को ले सकते हो, वाय चहल इसको ले सकते हो। रीजन मैं बता देता हूँ, क्योंकि इस बार हमने रविचंद्रन अश्विन को नहीं लिया है, रविचंद्रन अश्विन को अगर नहीं लिया है तो आप आराम से युवेंद्र चहल को ले सकते हो ट्रेंट बोल्ट की जगह पर, ये चीज़ ध्यान देना। अभी मैं बता देता हूँ इस टीम में कैप्टन वाइस कैप्टनसी कौन होने वाला है। इस टीम में हम लोगों का जो कैप्टन वाइस कैप्टनसी होने वाला है वो कुछ इस प्रकार होगा, ग्लेन मैक्सवेल कैप्टन और कहाँ गया जॉस हेजलवुड वाइस कैप्टन, ठीक है। मैं क्या बता रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है, जैसे ही आरसीबी पहले बैट करेगा, जो भी पहले बैट करेगा, पहले हम अभी सोच लेते हैं आरसीबी पहले बैट कर रहा है, अभी कैप्टन वाइस कैप्टनसी कैसे चूज करना है मैं बता देता हूँ। सोच लो कि आरसीबी पहले बैट कर रहा है तो कैप्टन वाइस कैप्टनसी कैसे बनेगा, फैफ डुप्लेसिस कैप्टन, हर्षल पटेल वाइस कैप्टन, फैफ डुप्लेसिस कैप्टन, जॉस हेजलवुड वाइस कैप्टन, फैफ डुप्लेसिस कैप्टन और हसरंगा वाइस कैप्टन, विराट कोहली कैप्टन, हसरंगा वाइस कैप्टन, विराट कोहली कैप्टन, हर्षल पटेल वाइस कैप्टन, विराट कोहली कैप्टन, जॉस हेजलवुड वाइस कैप्टनसी। मतलब जो भी पहले बैट करेगा उन लोगों का बैटिंग रहेगा कैप्टन और बॉलर रहेगा वाइस कैप्टन, एक ही टीम में रहने वाला है कैप्टन वाइस कैप्टनसी। अगर राजस्थान पहले बैट करता है तो जयसवाल कैप्टन, मॉकी वाइस कैप्टन, बटलर कैप्टन, चहल वाइस कैप्टन, जयसवाल कैप्टन, चहल वाइस कैप्टन, बटलर कैप्टन, मॉकी वाइस कैप्टन। मतलब कैप्टन भी इसी टीम में, वाइस कैप्टन भी इसी टीम में, कैप्टन रहेगा ऊपर, वाइस कैप्टन रहेगा नीचे, ये चीज़ ध्यान देना। जिस जो भी टीम पहले बैट करेगा उसी टीम का पहला जो रहेगा वो रहेगा कैप्टन, बैटिंग रहेगा कैप्टन, पहले बैट करने वाला टीम में रहेगा कैप्टन और बॉलिंग करने वाला टीम रहेगा वाइस कैप्टन से। बात समझ में आ रहा है, मान के चलो राजस्थान रॉयल्स पहले बैट कर रहा है तो जयसवाल कैप्टन, मॉकी वाइस कैप्टन, जयसवाल कैप्टन, चहल वाइस कैप्टन, जयसवाल कैप्टन, ट्रेंट बोल्ट वाइस कैप्टन, बटलर कैप्टन, ट्रेंट बोल्ट वाइस कैप्टन, बटलर कैप्टन, मॉकी वाइस कैप्टन, बटलर कैप्टन, चहल वाइस कैप्टन, संजू सैमसन कैप्टन, चहल वाइस कैप्टन, संजू सैमसन कैप्टन, मॉकी वाइस कैप्टन, संजू सैमसन कैप्टन, ट्रेंट बोल्ट वाइस कैप्टन, कुछ इस प्रकार रहेगा हम लोगों का कैप्टन वाइस कैप्टनसी। ये चीज़ ध्यान देना, सिर्फ आरसीबी नहीं, अगर राजस्थान भी पहले बैट करेगा तो भी हम लोगों का टीम जो है कुछ इस प्रकार रहेगा। हाँ, ऐसा भी हो सकता है यहाँ से ग्लेन मैक्सवेल ड्रीम टीम का कैप्टन निकल जाए, यहाँ से भाई पर्टिकल ड्रीम टीम का वाइस कैप्टनसी निकल जाए, ये चीज़ भी हो सकता है, लेकिन ये चीज़ होने का चांसेस बहुत ही कम है। जैसे कि बैटिंग एंड बॉलिंग में ही कैप्टन वाइस कैप्टनसी निकलने वाला है, वो पूरा का पूरा सेम टीम में होने वाला, जो टीम पहले बैट करेगा उसी टीम का कैप्टन होगा ड्रीम टीम का, और उसी टीम का ही ड्रीम टीम का वाइस कैप्टनसी होगा, 90% चांस वही होने वाला है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो सीधा जाकर भाई चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो, और उसके साथ भाई दोस्तों के साथ शेयर करो, कहां पर भी शेयर करो मुझे पता नहीं, व्हाट्सएप करो, इंस्टाग्राम करो, ट्विटर करो, फेसबुक करो, और क्या स्नैपचैट करो, कुछ भी है मुझे पता नहीं है, मुझे बस शेयर हो जाना चाहिए। और अगर भाई एक चीज़ बता देता हूँ, अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और अगर नेक्स्ट वीडियो जो है आपको अगर ऐसा ही चाहिए तो ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और उसके साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट जैसे ही मैं अपलोड करूँगा फर्स्ट जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास जाएगा। तो वो फर्स्ट नोटिफिकेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब, उसके साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर प्रेस करना पड़ेगा। तो चलो दोस्तों, वीडियो को इसी जगह पर हम लोग ख़त्म करते हैं, और ख़त्म करने से एक
पहले एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको भी चाहिए फाइनल टीम T10, ओमेन, T20, ऑन डे, टेस्ट, कुछ भी का टीम चाहिए क्रिकेट से रिलेटेड, तो आप सीधा जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा एंड फर्स्ट कमेंट पर भी मिल जाएगा। आई होप सो आप जुड़ गए हो। तो चलो गाइस, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो पर। जाते जाते चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से जरूर करते हुए जाना। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।